हेलो फ्रेंड्स एंड मैडोडेंट फार्मास्यूटिकल क्वालिटी इश्योरेंस के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द यूटिलिटीज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एरिया के बारे में इसमें हम लोग यूटिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे अबाउट द कंटामिनेशन कंट्रोल के बारे में मेरा नाम है डॉक्टर मेहनताप सिंह तो चलिए शुरू करते हैं तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द यूटिलिटीज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ इस्टराइल एरिया के बारे में तो जो भी हमारा इस्टराइल एरिया में हम वहाँ पे यूटिलिटीज़ यूज़ करते हैं अगर हम उनके बारे में बात करते हैं ऑल द यूटिलिटीज़ दैट कुड अफेक्ट द प्रोडक्ट क्वालिटी शुड बी क्वालिफाइड एंड मोनिटर्ड तो इस कंडीशन में ऐसी जितनी भी हमारी यूटिलिटीज़ हैं वो जो कि हमारे इस्टराइल एरिया में जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी को अफेक्ट कर सकती हैं उन्हें हमें प्रपरली क्वालिफाइड करने की आवश्यकता होती है और मॉनिटर करने की आवश्यकता होती है तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वॉट डू यू मीन बाई द क्वालिफाइड इन दैट प्लेस तो यहाँ पे जो भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं और जो भी हमारी यूटिलिटीज होती हैं उनकी जो वैलिडेशन की प्रोसेस होती है उसको हम लोग कहते हैं क्वालिफिकेशन तो इस कंडीशन में जो हमारे इक्विपमेंट वैलिडेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं क्वालिफिकेशन और यहाँ पे जो हमारी एक तरह से यूटिलिटीज़ हैं उनका हमें प्रॉपरली वैलिडेशन करने की आवश्यकता होती है और उनको प्रॉपरली मॉनिटर करने की आवश्यकता होती है तो अगर हम इन यूटिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो जो हमारी यूटिलिटीज़ होती हैं सर्विसेज उसके अंदर क्या क्या होता है ऑल द यूटिलिटीज़ दैट कुड अफेक्ट द प्रोडक्ट क्वालिटी फॉर एग्जाम्पल स्टीम गैसेज कंप्रेस्ड एयर हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग शुड बी क्वालिफाइड एंड मॉनिटर तो ऐसी वो जितनी भी हमारी यूटिलिटीज़ हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकती हैं वो हमारी स्टीम हो सकती है जो हम अपने स्टराइल एरिया में यूज़ करते हैं वो गैसेस हो सकता है कंप्रेस्ड एयर हो सकती है जो हमारा है हीटिंग की प्रोसेस है या जो हमारी होती है वेंटिलेशन और जो हमारी ए, एक तरह से एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उनको हमें प्रॉपरली क्वालिफाइड और मॉनिटर करने की आवश्यकता होती है एंड द एक्शन शुड बी टेकन वेन द लिमिट आर एक्सीडेड और अगर हमारी लिमिट एक्सीड हो रही है मीन्स जो हमारी एक तरह से यूटिलिटीज़ है अगर हम स्टीम की बात करते हैं तो उसका जो हमारा टेम्परेचर है या मतलब प्रेशर है अगर हम गैसेज और कंप्रेस्ड एयर की बात करते हैं तो उसका जो हमारा होता है प्रेशर होता है ये सब चीज़ें अगर इंक्रीज हो रही हैं या उनकी वो लिमिट एक्सीड हो रही है तो उस कंडीशन में हमें प्रॉपर एक्शन वहाँ पे लेने की आवश्यकता होती है क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी अफेक्ट करती हैं उसके बाद अगर हम अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में एडिक्वेट वेंटिलेशन एयर फिल्ट्रेशन एंड एग्जॉस्ट सिस्टम शुड बी प्रोवाइडेड वेयर अप्रोप्रिएट तो इस कंडीशन में अगर हम स्टराइल एरिया के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए एयर का फिल्ट्रेशन वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए और जो हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम है जहाँ पे भी रिक्वायर्ड हो वहाँ पे हमें उसको प्रोवाइड करने की आवश्यकता होती है और ये इस तरह से डिजाइनड और कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए कि ये इस चीज़ को एक तरह से मिनिमाइज करे रिस्क ऑफ कंटामिनेशन एंड क्रॉस कंटामिनेशन जो हमारे स्टराइल प्रोडक्ट हैं उनके अंदर कंटामिनेशन और क्रॉस वो कंटामिनेशन को प्रॉपरली वहाँ पर एक तरह से मिनिमाइज करे इस तरह से डिजाइन और कंस्ट्रक्टेड एक तरह से होना चाहिए जो हमारा है एक तरह से वेंटिलेशन का सिस्टम है या एयर हम फिल्ट्रेशन या एक का सिस्टम है वो इस तरह से डिजाइन और मेंटेन होना चाहिए कि जो भी हमारा कंटामिनेशन और क्रॉस कंटामिनेशन है वहाँ पे कम से कम हो सके उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है इफ़ द एयर इज री सर्कुलेटेड टू द प्रोडक्शन एरिया अप्रोप्रिएट मेजर्स शुड बी टेकन टू कंट्रोल रिस्क ऑफ कंटामिनेशन एंड क्रॉस कंटामिनेशन तो इस कंडीशन में अगर जो हमारी एयर है वो हमारे प्रोडक्शन एरिया में रीसर्कुलेट हो रही है तो उस कंडीशन में हमें वहाँ पर एक तरह से प्रॉपर अप्रोप्रिएट वहाँ पर एक तरह से वो मेजर्स वो लेने चाह जिससे कि जो हमारा कंटामिनेशन और क्रॉस कंटामिनेशन है वो वहां पे प्रॉपरली मिनिमाइज हो सके उसके चांसेस वहां पे कम हो उसके बाद अगर जो हमारा एक तरह से एरिया है जो हमारा स्टराइल एरिया है वहाँ पे जो हमारा है पाइप वर्क है वो वहाँ परमानेंटली इंस्टॉल्ड है मीन जो हमारी एयर की सप्लाई होती है जो हमारी गैसेस की वो सप्लाई है स्टीम की वो सप्लाई है उनके लिए जो हमारी पाइप्स होती हैं वो वहाँ पे अगर होती हैं परमानेंटली तो उस कंडीशन में हमें उसको अप्रोप्रिएटली आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता होती है कि उसमें से वो किस पाइपलाइन में हमारी स्टीम है वो किस पाइपलाइन में जो हमारे गैसेज हैं और जो हमारी एक तरह से किस पाइपलाइन में एयर है वाटर है उसको हमें प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता होती है अगर वहां पे जो हमारा पाइप वर्क है वो वहां पे एक तरह से परमानेंटली इंस्टॉल्ड है तो उस कंडीशन में द आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल लाइंस जो हमारी अलग अलग वो लाइंस हैं उन्हें हमें प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना चाहिए उनका प्रॉपर वहां पे डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए उसकी जो हमारी ड्राइंग है कहाँ से वो आ रही है और जो एक तरह से कहाँ तक वो जा रही है उस उसकी हमारे पास प्रॉपर वहाँ पे जो है ड्राइंग होना चाहिए उसका हमारा होना चाहिए वो कंप्यूटर अगर वो कंट्रोल सिस्टम है उसको ऑपरेट करने का तो वो भी हमारा वहाँ पे एक तरह से प्रॉपर होना चाहिए और उसके अल्टरनेटिव जो मीन्स हैं वो भी वहाँ पर हमें प्रॉपरली इंडिकेटेड होने चाहिए और अगर हम बात करते हैं अबाउट द ड्रेनेज तो उस कंडीशन में जो हमारा वहाँ पे वो ड्रेनेज वो सिस्टम है वो वो ड्रेनेज वो शुड बी एडिक्वेट साइज़ जो हमारा वहाँ पे एक तरह से वो ड्रेनेज वो सिस्टम है जो भी हमारे वहाँ पे वेस्ट एक तरह से मटेरियल होते हैं उनका जो हमारा होता है वो ड्रेनेज वो सिस्टम वो एक एडिक्वेट साइज का होना चाहिए एंड शुड बी प्रोवाइडेड विद एन एयर ब्रेक और उसके बीच में एयर ब्रेक का हमारा वो सिस्टम होना चाहिए या ऐसी वो डिवाइस वहाँ पर हमें अटैच करनी होती है जिससे कि उसका जो तो बैक फ्लो के चांसेस हैं वो वहाँ पे प्रिवेंट हो सकें जो भी हमारा एक तरह से वेस्ट वो लिक्विड वगैरह है वो जो उस प्लेस से अगर बाहर जा रहा है तो वो फिर से उसके अंदर ना आए हमारे एरिया के अंदर ना आए उसको प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम हमें अटैच करना चाहिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एरिया के बारे में तो जो हमारा स्टेराइल एरिया है वहाँ पे हमें क्या क्या मेंटेनेंस पे ध्यान देना होता है अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा पहला पॉइंट है द क्लीन रूम शुड हैव मिनिमम पर्सनल तो इस कंडीशन में जो हमारा क्लीन रूम है जहाँ पे हम अपनी एक तरह से फिलिंग वगैरह की स्टराइल फिलिंग वगैरह की प्रोसेस को कर रहे हैं वहाँ पे कम से कम लोग होने चाहिए जिससे कि जो कंटामिनेशन का चांसेस है वो काफ़ी कम हो सके उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है ऑल द पर्सनल्स वर्किंग इन दिस एरिया शुड हैव रेगुलर ट्रेनिंग जो लोग भी हमारे ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जो कि हमारा एक तरह से वो क्लीन रूम है स्टराइल एरिया है तो वहाँ पे जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको हमें प्रॉपर रेगुलर ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होती है जिससे कि वो जो हमारा एक तरह से कंटामिनेशन के चांसेस हैं उनको हम ओवरकम कर सकें उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है पर्सनल हाइजीन इज इम्पॉर्टेंट तो जो भी हमारे वहाँ पर वो पर्सनल्स काम कर रहे हैं उनकी जो हाइजीनिक कंडीशन है वो भी वहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है हम इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि जो भी पर्सनल जो भी कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं वो जो एक तरह से उनकी जो हाइजीनिक कंडीशन है उनकी जो हेल्थ है वो हमारे प्रोडक्ट को अफेक्ट न करे इसका भी हम वहाँ पे प्रॉपर ध्यान रखते हैं जो हमारा इसमें अगला पॉइंट है द क्लीन रूम यूज कम्बिनेशन ऑफ फिल्ट्रेशन एयर एक्सचेंज पॉजिटिव प्रेशर टू मेंटेन क्लीन इन्वायरमेंट तो इस कंडीशन में जो हमारा क्लीन रूम होता है वहाँ पे हम जो हमारी एयर है उसको हम एक तरह से वो प्रॉपरली फिल्टर करते हैं जो हमारा एयर एक्सचेंज का वहाँ पे सिस्टम है उसको हम प्रॉपरली कंट्रोल रखते हैं और जो हमारा एरिया है वहाँ पे हम एक पॉजिटिव प्रेशर वहाँ पे रखते हैं जिससे कि जो हमारी एयर है वो बाहर की एयर अंदर की ओर ना आए जो अंदर की एयर है वही बाहर की ओर जाए जिससे कि जो हमारा है एक तरह से इन्वायरमेंट है जो हमारे क्लीन रूम का इन्वायरमेंट है वो प्रॉपरली वहाँ पर मेनटेन रहे उसमें कोई कंटामिनेशन के सोर्सेज ना हों उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है इसमें क्या है द वो सेंटेशन ऑफ द क्लीन एरिया इज इंपॉर्टेंट इट शुड बी क्लीन फ्रीक्वेंटली एंड थारोली विद एन अप्रोप्रिएट रिटर्न प्रोग्राम तो इस कंडीशन में जो हमारा क्लीन एरिया है स्टराइल एरिया है वहाँ पे जो हमारा एक तरह से होता है वो सैनिटाइजेशन का प्रोसेस होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है उसको हमें एक तरह से फ्रीक्वेंटली और वो थारोली करने की आवश्यकता होती है और ये एक रिटर्न अप्रूव प्रोग्राम के तहत होना चाहिए इसमें जो हमारा अगला पॉइंट है वेयर डिस इनफेक्टेंट आर यूज मोर देन वन टाइप शुड बी यूज तो इस प्लेस पे हमें जहां पे भी डिस इनफेक्टेंट यूज करने की आवश्यकता होती है वहां पे हम एक से अधिक टाइप के डिस इन्फेक्टेंट को यूज करते हैं जिससे कि वो अधिक से अधिक जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको वहाँ पे किल कर सके तो इस कंडीशन में अगर हम एक डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं तो वो हो सकता है कि एक जो है पर्टिकुलर आप कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव हो बट अगर हम कंबिनेशन में यूज करते हैं एक से अधिक यूज करते हैं तो वो अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें प्रोटेक्शन वहाँ पर प्रोवाइड करता है उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है द मॉनिटरिंग शुड बी वो रेगुलर टू डिटेक्ट कंटामिनेशन तो जो हमारा होता है स्टराइल एरिया होता है वहाँ पे हमें प्रॉपर ध्यान देने की आवश्यकता होती है जो हमारी प्रोसेस होती है मॉनिटरिंग की वो वहाँ पे रेगुलर होना चाहिए जिससे कि जो हमारे कंटामिनेशन के चांसेस हैं उनको हम प्रॉपरली वहाँ पे वो डिटेक्ट कर सकें और उसको हम प्रॉपरली वहाँ पर ठीक भी कर सकें जिससे कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अफेक्ट ना हो जो हमारा अगला पॉइंट है वो दैट इज द अप्रोप्रिएट क्लीनिंग वेल्डेशन शुड बी कैरीड आउट तो जो भी हमारा एक तरह से वो क्लीनिंग की प्रोसेस है उसका प्रॉपर वेल्डेशन वहाँ पे हमें करने की आवश्यकता होती है जिससे कि जो एक तरह से चांसेस ऑफ कंटामिनेशन है वो हमारे एरिया में हम एक तरह से प्रिवेंट कर सकें वो एक तरह से काफ़ी वो कम हो जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो हमारे स्टराइल एरिया में वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट हो हाँ जो हमारा अगला पॉइंट है वो दैट इज द वो डिस इन्फेक्टेंट एंड वो डिटर्जेंट यूज इन द ग्रेड ए एंड ग्रेड बी एरिया शुड बी स्टराइल बिफोर यूज तो अगर जो हमारा एक तरह से वो क्लीन रूम का ग्रेड ए है और जो हमारा है ग्रेड बी एरिया है वहाँ

होना चाहिए क्योंकि हमको ये देखने में प्राप्त होता है कि जो अधिकतर वो कॉमनली हम लोग वो डिसइनफेक्टेंट को यूज़ करते हैं वो इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट द स्पोर्ट्स जो हमारे स्पोर्ट्स होते हैं उनके अगेंस्ट वो जो वो कम इफेक्टिव होते हैं जिसके कारण कि हमें इस्पोर्ट्स का जो कंटामिनेशन है उसको अवॉइड करने के लिए डिसइनफेक्टेंट के साथ में स्पोरोसाइडल एजेंट भी यूज़ करने की आवश्यकता होती है उसके बाद इसमें जो हमारा अगला पॉइंट है दैट इज़ द फ्यूमिगेशन ऑफ क्लीन एरिया मस्ट बी यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग माइक्रोबियल कंटामिनेशन इन इनएक्सेबल प्लेसेस तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द इनएक्बल प्लेसेस के बारे में तो हमारी जो एक तरह से बिल्डिंग है जो हमारी प्रमाइसिस है वहाँ पे कुछ प्लेस ऐसे होते हैं या जो हमारा क्लीन रूम है उसमें कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं तो तो वहाँ पे अगर हम यूज करते हैं वो फ्यूमगेशन को तो उस कंडीशन में हम आसानी से उन प्लेसेस पे भी जो हमारा होता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन उसको प्रॉपरली रिड्यूस कर सकते हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द कंट्रोल ऑफ कंटामिनेशन के बारे में कि हम किस तरह से कंटामिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं तो इस कंडीशन में टेक ए सैम्पल इन ए रूम दैट हैज ए एबल एयर कंट्रोल सिस्टम टू चेक एंड प्रिवेंट कंटामिनेशन थ्रू द एयर तो अगर हमारे पास जो हमारा रूम है उसके अंदर एक ठीक ठाक एयर कंट्रोल सिस्टम है तो उस कंडीशन में जो एक तरह से हम वहाँ पे अगर सैंपल लेते हैं तो हम इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि जो हमारा एयर फ्लो है कहीं उसके अंदर कंटामिनेशन तो नहीं है तो इसको हम लोग एक तरह से यूज़ करते हैं अपने जो हमारी एयर की क्वालिटी है उसको प्रॉपरली चेक करने के लिए उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है दैट इज़ द यूज़ प्रॉपर टूल्स वो डिज़ाइन फॉर द प्रोडक्ट तो जो भी हमारा एक तरह से प्रोडक्ट है उसके लिए जो हमारे टूल्स डिज़ाइन है उन्हें ही हमें प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए लाइक अगर हमें एक तरह से लेना वो, आप कह सकते हैं सैंपल लेना है तो उस प्लेस पे जो एक तरह से सैंपलिंग रॉड हमारी है उसी को हमें वहां पे यूज़ करना चाहिए हमें कुछ और चीज यूज करके सैंपल को वो नहीं लेना चाहिए तो जो भी हमारी प्रोसेस है जो भी हमारा एक तरह से प्रोडक्ट है उसके लिए जो हमारे डिजाइन टूल्स हैं उन्हीं को हमें वहां पर यूज करना चाहिए जिससे हम कंटामिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है ये क्या है हा टू इंश्योर प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट टू प्रिवेंट एनी बायोलॉजिकल कंटामिनेशन तो जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं वो प्रॉपरली क्लीन किए गए हैं कि नहीं इस चीज़ को हमें प्रॉपरली इंश्योर कर लेना चाहिए जिससे कि हम लोग जो हमारे बायोलॉजिकल कंटामिनेशन है उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अवॉइड कर सकते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है वो रेगुलरली चेक द इक्विपमेंट फॉर वियर एंड टीयर टू वो प्रिवेंट एनी कंप्रोमाइज टू इट्स इंटीग्रिटी तो जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं उनमें हमें जो वियर एंड वो टीयर या जो हम कह सकते हैं टूट फूट उसमें जो है उसको प्रॉपरली वो रेगुलरली हमें प्रॉपरली चेक करना चाहिए जिससे कि जो हमारे इक्विपमेंट हैं उसकी जो कार्य क्षमता है जो उसकी इंटीग्रिटी है उससे हमें कम्प्रोमाइज़ न होना पड़े वो हमारी जो प्रोसेस है उसमें अच्छे से एक तरह से काम करे उसके लिए हमें वो रेगुलरली वहाँ पे टूट फूट को प्रॉपरली चेक करते रहना चाहिए जो हमारा इसमें अगला पॉइंट है हालांकि वो प्रॉपरली डिज़ाइंड एयर फ्लो सिस्टम टू प्रिवेंट एयर फ्लो कंटामिनेशन तो जो भी हमारा एक तरह से स्टराइल एरिया है वहाँ पे एक अच्छा वो डिज़ाइंड एयर फ्लो सिस्टम हमें यूज करना चाहिए जिससे एयर से कंटामिनेशन को हम वहाँ पे रोक सकें और अपने हम कह सकते हैं प्रोडक्ट के कंटामिनेशन को हम वहाँ पर अवॉइड कर सकें जो हमारा अगला पॉइंट है ये है वो डिस्पेंसिंग स्टेशन शुड हैव प्रॉपर डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम तो जो हमारा होता है डिस्पेंसिंग वो सिस्टम जहाँ पे हम लोग पाउडर वगैरह को हैंडल करते हैं जो भी हमारे सब्सटेंस हैं उनको अगर हम एक तरह से हैंडल करते हैं तो वो हमारा जो स्टेशन है वहाँ पे जो भी हमारी डस्ट उड़ती है जब हम एक तरह से पाउडर को हैंडल करते हैं तो वहाँ पे डस्ट क्रिएट होती है वो हवा में उड़ता है तो उसको प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट करने का सिस्टम वहाँ पर होना चाहिए जिससे कि उसका कंटामिनेशन हमारे रूम के एयर में ना आए जो हमारा अगला पॉइंट है वो रेगुलरली मॉनिटर वाटर टू चेक द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोव तो जो भी हमारे एक तरह से एरिया में जो हमारा स्टराइल एरिया है वहां पे जो हमारा वाट आ रहा है उसको हमें वो रेगुलरली चेक करने की आवश्यकता होती है जिससे कि हम इस चीज को प्रॉपरली चेक कर सकें कि जो भी हमारा वाटर है उसमें कोई माइक्रोब्स वगैरह तो वो नहीं है और अगर उसमें हो सकता है कि माइक्रोव हो तो वो हमारे प्रोडक्ट को कंटामिनेट भी कर सकता है तो हमें अपने वाटर को वहाँ पर रेगुलरली मॉनिटर करने की आवश्यकता होती है उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है ये क्या है अवॉइड वो चार्जिंग टू मटेरियल एट सेम टाइम तो इस कंडीशन में अगर कोई हमारा एरिया है मीन जो हमारा स्ट्राइल एरिया है वहाँ पे हमें एक टाइम में केवल एक मटेरियल को ही यूज़ करना चाहिए हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि एक टाइम में हम अपने एरिया में दो मटेरियल को चार्ज कर रहे हैं यूज कर रहे हैं इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए इससे भी जो हमारा कंटामिनेशन है वो प्रॉपरली कंट्रोल होगा और इसमें जो हमारा अंतिम पॉइंट है द वो लाइन क्लियरेंस मट बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग प्रोडक्ट चेंज ओवर तो अगर हमें अपने एक तरह से प्रोडक्ट का चेंज ओवर करना है मीन्स एक हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है और दूसरे को हमें स्टार्ट करना है तो उस कंडीशन में जो हमारा होता है लाइन क्लियरेंस होता है कि जो भी इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली क्लीन हो गए हैं वो जो भी हमारा एक तरह से प्रमाइसिस है जो हमारा एरिया है वो प्रॉपरली क्लीन हो गया है जब उसका लाइन क्लियरेंस हमें प्रॉपरली प्राप्त हो जाता है तो उसी कंडीशन में हम वहाँ पे चेंज ओवर करते हैं एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पर हम आते हैं ओके फ्रेंड्स एंड माई डेस्टूडेंट ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इस टॉपिक का पी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक यू